आज के इस वीडियो में हम आपको सोशल मीडिया के बारे में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आप सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट जैसी ऐप तो चलाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी ऐप के फाउंडर कौन है? तो आज हम आपको इन सभी ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल, याहू, ट्विटर, स्नैपचैट, स्काइप और यूट्यूब के फाउंडर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो फेसबुक के फाउंडर के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के ऑनर हैं और इनका जन्म 14 मई 1984 को हुआ था। जुकरबर्ग ने 19 साल की उम्र में फेसबुक बनाई थी। मार्क जुकरबर्ग ने सोशल नेटवर्किंग फेसबुक अपने कॉलेज में ही बनाई थी और जैसे ही फेसबुक पर मिलियंस से ज्यादा यूजर्स बनने लगे तो मार्क जुकरबर्ग बिलियनेयर बन गए और इसके साथ ही फेसबुक की बायोग्राफी पर एक फिल्म द सोशल नेटवर्क के नाम से बन गई और तभी से फेसबुक युवाओं द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दुनिया की सोशल नेटवर्किंग साइट बन गई और आज का हर युवा फेसबुक जरूर चलाता होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक और सोशल साइट इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर ने 2010 में बनाई थी और अक्टूबर 2010 में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक विशेष रूप से निशुल्क मोबाइल ऐप के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। ये ऐप साल 2010 में 6 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, जिसे आज दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों के साथ विश्व के 1 बिलियन से ज्यादा लोगों ने सराहा है और आम लोगों द्वारा भी इस ऐप को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ये वो ऐप है जिसने फोटोग्राफी और फोटो शेयरिंग का सारा ही रूप बदल दिया। इस ऐप की शुरुआत एप्पल के ऐप स्टोर से हुई थी। तो आज आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर कितने सारे युवा हैं जो अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप एक फ्री मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप पर लोग सबसे ज्यादा मैसेज या फिर चैटिंग करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोग हैं। व्हाट्सएप को 2009 में ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने एक साथ मिलकर बनाया था। वे दोनों पहले याहू कंपनी में काम करते थे, लेकिन सितंबर 2007 में वे दोनों याहू से नौकरी छोड़कर दक्षिणी अमेरिका चले गए और उसी समय वे फेसबुक में नौकरी करने के लिए गए, लेकिन वहां उन्हें नौकरी नहीं मिली। उसके बाद में उन्हें याहू से उनके सेविंग के $4 लाख मिले थे। कॉम ने एक आईफोन के लिए एक ऐप बनाने की सोची और इसका नाम व्हाट्सएप रखा क्योंकि ये सुनने में व्हाट्सएप के जैसा है। और फेसबुक 24 2009 में उन्होंने कैलिफोर्निया में whatsapp.inc नाम से कंपनी बनाई और वहीं हैंग होने की वजह से कॉम को लगा कि ठीक से नहीं चल पाएगी, लेकिन कॉम ने इस ऐप को जारी रखा और आज ये ऐप हम सभी के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि हम किसी भी समय चैट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, तस्वीरें भेज सकते हैं और इसके साथ ही ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे स्नैपचैट की। स्नैपचैट तस्वीर और संदेश भेजने वाला मोबाइल ऐप है। इसे इवान स्पीगल, बॉबी मुर्फी और रेगी ब्राउन ने बनाया है। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें भेजे जाने वाला कोई भी मैसेज हो वो अपने आप गायब हो जाता है। इस ऐप को सितंबर 2011 में इसके नए नाम स्नैपचैट के साथ शुरू किया गया था। तो वही बात करें स्काइप की, तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूजर्स को इंटरनेट पर वॉइस और वीडियो कॉल करने की परमिशन देता है। इस ऐप के फाउंडर निकोलस जेनस्ट्रॉम जेनस फ्रीज हैं। स्काइप एक ऐसा ऐप है जिसकी वीडियो कॉलिंग क्वालिटी सबसे अच्छी है और स्काइप के जरिए आप ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्काइप के जरिए आप कंप्यूटर से भी वीडियो कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं। स्काइप में वीडियो ऑडियो कॉलिंग के अलावा आप इमेज और डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। स्काइप को सन 2003 में लॉन्च किया गया था, लेकिन सन 2011 में स्काइप को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया था। तो अब बात करेंगे याहू की। याहू की स्थापना जेरी योंग और डेविड फिलो ने जनवरी 1994 में की थी। ये एक अमेरिकी निगमित निगम और वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है और ये कई प्रकार की सुविधाएं जैसे कि वेब पोर्टल, खोज साधन, ईमेल, खबरें इत्यादि तैयार करती है। तो अब हम आपको ट्विटर के बारे में जानकारी देंगे। ट्विटर भी दूसरी एप्स की तरह ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं और ये एक ऐसा ऐप है जो अपने यूजर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें वे अपने विचार, खबरें, इन्फॉर्मेशन, जॉक्स शेयर कर सकते हैं। ट्विटर को जैक डोर्सी, नोग्लास, बिस्टोन और इविन विलियम्स ने मार्च 2006 में बनाया था। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, याहू, ट्विटर, स्नैपचैट, स्काइप के बाद अब हम बात करेंगे यूट्यूब और गूगल की। तो आपको बताते चले, यूट्यूब अमेरिका की एक वीडियो देखने वाली वेबसाइट है जिसमें रजिस्टर्ड मेंबर्स वीडियो क्लिप देखने के साथ ही अपना वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं।
इसे चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था, जिसे नवंबर 2006 में गूगल ने अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। तो अब बात करेंगे गूगल की। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवर्टाइजिंग सिस्टम में पूंजी लगाई है। ये इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं देता है और विकसित भी करता है। गूगल की शुरुआत 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। लैरी पेज एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं जिन्होंने सर्गेई ब्रिन के साथ मिलकर गूगल इंक की सह स्थापना की थी और वे दोनों अक्सर ही गूगल गाइज के नाम से जाने भी जाते हैं। तो आज की इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं और साथ ही अपने फोन पर अधिक जानकारी पाने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।